हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं मोहम्मद नजर इमाम, मैं अपने यूट्यूब चैनल दर्पण द मिरर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बिहार बोर्ड 10th क्लास का जो मैट्रिक परीक्षा हुआ है, उसका जो पहला पेपर आज जो फर्स्ट सीटिंग का हुआ था, मैथ का पेपर, उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं जो मैथ का पेपर हुआ है उसका एकदम सबसे सटीक और सही इसका सॉल्यूशन हम लोग ऑब्जेक्टिव का करने वाले हैं। मैंने जो भी पढ़ाया इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उससे भी बहुत सारे प्रश्न इस पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपने इस आज का डिस्कशन और देखते हैं पहला सवाल। यहाँ सबसे पहले हम एक बार इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि इसमें पूछा क्या गया था और कैसे इसको सॉल्व करना था। तो ये बताना, ये कौन से किसी, शायद ये लगता है सी खंड का ये पेपर है, ठीक है ना, सी सीरीज जो होता है उसी का ये पेपर मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप जिसके पास अपना जो सीरीज होगा वो क्वेश्चन अपना देख लेंगे, अगर सी होगा तो उनका ये इसी रूप में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ दिख रहा है वही वहाँ सी में भी दिखाई देगा। तो यहाँ पहले प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को ओमर सीट पर चिन्हित करें। यानी कि कुल हमारे पास इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से टोटल 100 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन उसमें से किसी 50 प्रश्न का ही उत्तर देना था। मैंने अपने YouTube चैनल पर भी पहले ये इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था कि इस तरह के प्रश्न को हल करते समय हमें कौन कौन से सावधानी बरतनी होती है, ठीक है ना। तो उसमें मैंने बताया था कि इस 100 प्रश्न में ज़रूरी नहीं कि पहले 50 ही बनाए, उसमें से कोई भी 50 बना सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो किसी को पहला नहीं आता और उसको 10वां नंबर आ रहा है, तो वो 10वां से बना सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसमें कोई भी 50 हमें करना था। तो चलो यहाँ हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दे रहा है कि बिंदु 15.8 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। ये सवाल मैंने डिस्कस किया हुआ है मेरे YouTube चैनल पर, जो मैंने पहले बताया था कि ये प्रश्न आएगा और ये प्रश्न आया हुआ है, जा करके वहाँ वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं विश्वास हो रहा है। तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। कह रहा है 15.8 जो बिंदु है उसका मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु की जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अगर उसका सूत्र देखें, मूल बिंदु का मतलब 0.0 यानी कि 0 और 15.8 के बीच दूरी पूछा है, तो हमें डायरेक्ट सूत्र बैठाना था क्या, x² + y²। तो यहाँ से अगर इसको हम बैठा लेंगे तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे 225 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर कर लेंगे 64 आ जाएगा, ठीक है ना। जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 2 और 8 9, यानी 289 और 289 वर्गमूल 17 का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए का जो आंसर होगा सी हो जाएगा 17। जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सरल रेखा y = 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगा। इसका मतलब ये पूछा है, इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो मान दिया हुआ आंसर इसी को इसमें पुट कर लेंगे, यानी जो पहले दिया है वो मान, वो x का मान होगा और जो ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा मान है वो y का मान होगा। जैसे पहला ऑप्शन अगर चेक करें यहाँ पर, तो यहाँ 2 देखिए, 2 यहाँ y का मान 2 है, x का मान 2 है, तो ये y की जगह पर 2 रखेंगे और x के मान भी 2 रखेंगे, तो 2 × 2 - 3, तो ये 4 - 3, यानी इधर 1 आ रहा है इधर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये बराबर नहीं आ रहा है, ए ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरीके से अगर दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं, तो 4 है, वाई का मान 4 रखो और इधर x के जगह पर क्या रखो 1, तो ये 2 × 1 = 1 आ जाएगा -3, तो ये भी -1 आ रहा है, इसका मतलब इसके बराबर नहीं आ रहा है, ये बी भी इसका आंसर नहीं होगा। सी देख लेते हैं, सी अगर यहाँ वाई का मान 1 है, 1 रख लेते हैं एक बार, तो 4 × 8 8 - 3 नहीं होगा, ठीक है। और फिर दूसरा अगर सी ऑप्शन देख लेते हैं, तो वाई का मान 4 है बराबर एक्स का मान 3 है, तो 3 × 6 - 3 नहीं आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है इधर 4, इसका मतलब सी भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार फिर, तो वाई का मान 7 है, एक्स का मान 5 है, तो 5 × 10 - 3 आ गया 7, यानी कि ये डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, 2 का डी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है -2.0 और 6.0 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, मान लेते हैं वो बिंदु क्या है, P है, और उसका निर्देशांक x, y होता है, तो -2.0 और 6.0, ठीक है ना, 6.0, तो इसका क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होगा इसका और इसका, दोनों के साथ डिस्टेंस बराबर कर लेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, x, y और ये -2.0, 6.0,
तो जब हम x में से माइनस दो करेंगे तो ये x प्लस दो हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो, और जीरो में y घटाओगे या जोड़ोगे तो y आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर इधर होगा। उसी तरीके से इधर भी करेंगे तो x माइनस छः का होल स्क्वायर और फिर यहाँ उसका हो जाएगा, फिर जीरो y में से घटाएंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, यानी y स्क्वायर y से कट गया, बचेगा यहाँ। अब एक बार लिखते हैं, x प्लस दो का होल स्क्वायर बराबर होगा x प्लस छः का होल स्क्वायर। यहाँ अगर इसको तोड़ेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, इधर हो जाएगा x स्क्वायर और सिक्स है तो प्लस बारह एक्स प्लस छत्तीस, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ देखो छत्तीस है, छत्तीस और यहाँ चार है, तो छत्तीस में से चार घटा दोगे तो ये हो जाएगा बत्तीस, और यहाँ है बारह एक्स में से चार एक्स घटा देंगे तो हो जाएगा ये आठ, आठ एक्स हो जाएगा, यानी आठ चूके बत्तीस, एक्स का मान कितना आ गया चार। तो उस ऑप्शन को देख लेंगे जिसमें एक्स का मान चार दिया हुआ है, एक्स का मान चार दिया हुआ है, इसमें तो ऑप्शन कोई नहीं आ रहा है, एक बार फिर देखते हैं। एक्स माइनस तो ये प्लस हो जाएगा दो का होल स्क्वायर, और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर आएगा, एक्स माइनस छः का, हाँ यह माइनस है, यहाँ ध्यान देना माइनस बारह एक्स आएगा, प्लस में नहीं आएगा, यहाँ प्लस, तो इधर आ जाएगा तो बारह चार सोलह एक्स हो जाएगा, उधर बत्तीस आ रहा था तो सोलह दूना बत्तीस, एक्स का मान दो आएगा, दो वाला आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका बी ऑप्शन होगा, तीन का बी हो जाएगा दो कोमा जीरो। अगला प्रश्न है, वाई अक्ष से बिंदु 13.15 की दूरी क्या होगी। वाई अक्ष से ध्यान देना, मैंने ये प्रश्न बताया हुआ है एकदम बिल्कुल आसान है, बनाने की जरूरत नहीं था, ये यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ 15 हो गया, हमसे पूछ रहा है वाई अक्ष, तो ये वाई अक्ष से इससे दूरी जाएंगे, तो इधर से दूर जाएंगे तो किसके सामने जाना है 13 पर, तो ये वाई अक्ष से दूर कितना है 13 है, इसका आंसर 13 हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो गया। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10.6 और 6.-10 है, तो वृत्त की केंद्र की निर्देशांक क्या होता है। हम सब जानते हैं कि एक वृत्त जो होता है और वो व्यास होता है, और उन दोनों व्यास से होकर के अंतिम अगर कोई ऐसे दे दिया है निर्देशांक, तो उसका जो केंद्र होता है इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, यानी इन दोनों के क्या करना है मध्य बिंदु निकाल देंगे, वही आंसर होगा। तो 10 में 6 जोड़ो, -10 में 6 जोड़ेंगे तो -4 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो -2 आएगा, उस ऑप्शन को टिक कर देंगे जिसमें -2 पहले लिखा हुआ है, केवल सी ऑप्शन है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, अगर इसको पूरा बनाते हैं तो 6 में अगर 6 में -10 करते हैं तो -4 आएगा, फिर -4 में 2 से भाग करेंगे तो -2, यानी कि देखो यहाँ -2.-2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी। अगला प्रश्न छठा ले लेते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2.6, 0.6 और 4.-1 हो तो उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या, निर्देशांक निकालना है केंद्रक। ये भी प्रश्न मैंने बताया हुआ था, केंद्रक का जो निर्देशांक होता है x1+x2+x3 डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं, फिर उसी तरह y1+y2+y3 बटा 3 कर लेते हैं। यहाँ x1 2 है, 2 और x2 0 है, x3 4 है, तो 2 0 जोड़ोगे 2 आएगा, फिर 4 जोड़ो 6 आएगा, 6 में 3 से भाग करोगे तो 2 आएगा, उस ऑप्शन को टिक कर देंगे जिसमें पहले 2 लिखा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, ऐसे ही पहले ही दिख गया। अब अगर y का मान निकालते हैं 6 4 10, उसमें से -1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और उसमें भाग कर देंगे एक सेकेंड 4 6 10 10 और माइनस, तो माइनस हाँ 3, तो ठीक है, तो ये 3 3 9, तो 3 आएगा, तो 2.3, एक सेकेंड फिर चेक कर लेते हैं। अच्छा सॉरी यहाँ नीचे ऑप्शन दिया है ये, हाँ ठीक है, 2.3 ए ऑप्शन हो जाएगा। पिन 7 नंबर प्रश्न है, बिंदु 13.19 से अक्ष एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो गई। 13.19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि अगर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष ये मान लो बिंदु, ये दोनों प्लस है, इसका मतलब पहले निर्देशांक में होगा, तो यहाँ से ये बिंदु हम लंब डालते हैं, एक्स अक्ष पर जो लंबाई होगी ये बिंदु यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना, तो यहाँ से जो लंबाई होगा ना ये हो जाएगा तुम्हारा ये 19 होगा और ये 13 होगा, तो ये लंबाई किसके समान है, ये 19 के समान है, तो ये जो आंसर होगा वो 19 हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बिंदुओं -2.8 एवं -6.-4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2, तो
यहाँ अगर माइनस दो माइनस छः करते तो माइनस आठ बटा दो यानी माइनस चार आएगा x का मान, और ये आठ में माइनस चार कर दो जोड़ोगे तो माइनस आएगा, तो चार बटा दो हो जाएगा यानी आठ माइनस प्लस करोगे चार बटा दो, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो घटाओगे तो चार आएगा, चार में दो से भाग करेंगे तो दो, यानी जो निर्देशांक आ रहा है वो माइनस चार कौमा दो, और माइनस हम जानते हैं कौन में किस में होता है, इस द्वितीय में होता है, द्वितीय में माइनस एक्स माइनस चार कौमा दो, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में इसका आंसर बी हो जाएगा, किसका, तो आठ का आंसर बी होगा, आठ का आंसर बी द्वितीय। अगला प्रश्न है कि पी जीरो कौमा जीरो, क्यू आठ कौमा जीरो और आर जी जीरो कौमा बारह किसी त्रिभुज के शीर्ष है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, यहाँ देखो जीरो, यहाँ जीरो कौमा जीरो और यहाँ ये क्यू आठ ले लेते हैं क्योंकि पहले x लिखते हैं, तो ये आठ हो गया और ये r यहाँ है, ये बारह है, तो ये एक त्रिभुज बनता है, तो ये आठ है ये बारह है, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है एक बटा दो गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आठ गुने बारह ये हो गया चार दुनिया आठ, बारह चौका अड़तालीस, ऑप्शन होगा अड़तालीस, इसका कौन सा है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दसवां नंबर प्रश्न है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक जीरो कौमा छः जीरो जीरो और आठ जीरो है, तो उसके परिमित त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, अरे त्रिभुज का परिमिति मतलब फिर वही वाला सवाल है, वहाँ इस तरीके से वो दिया है जीरो कौमा जीरो और यहाँ है ये चलो ये जीरो कौमा छः हो जाएगा यहाँ पर मान लेते हैं, और ये आठ कौमा जीरो, ठीक है ना, आठ कौमा जीरो इसका मतलब ये छः है, अरे जीरो कौमा छः इसका मतलब ये लंबाई छः है और ये लंबाई आठ है, तो छः ये हो गया आठ ये हो गया, तो ये त्रिभुज का ये मान कितना होगा, ये छः छत्तीस प्लस चौंसठ कितना हो जाएगा सौ, तो ये जाएगा दस, ये हम कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो छत्तीस छः का छत्तीस प्लस आठ का चौंसठ, तो छत्तीस चौंसठ सौ, सौ का वर्गमूल निकालोगे तो दस आएगा, यानी तीनों साइड की लंबाई कितना हो गया छः आठ दस, तीनों को जोड़ दो, परिमिति पूछा है तो तीनों को जोड़ दिया जाएगा, तो दस छः सोलह, सोलह और आठ चौबीस, इसका आंसर बी हो जाएगा। दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल होंगे, संपाती हो तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, अनगिनत हल होंगे, ये तो कंडीशन याद रहना चाहिए, अगर वो रैखिक संपाती है तो वो अनगिनत हल होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा ग्यारह का। अगला प्रश्न बारह नंबर ले लेते हैं, यदि समीकरण दो एक्स माइनस वाई माइनस तीन बराबर जीरो, बारह एक्स प्लस सेवन वाई माइनस, तो इसके पूछ रहा है रेखाएँ कैसी हैं, तो ए वन बाई ए टू अगर निकालेंगे तो यहाँ दो है और बारह है, तो ये कितना होगा एक बट्टा छः हो गया, पूरी उस तरह से बी वन बाई बी टू निकाल लो तो माइनस वाई का मान यहाँ माइनस एक है और वाई बी का मान कितना है, बी टू का मान सेवन है, तो माइनस ये देखो माइनस एक बट्टा सेवन आ रहा है और ये एक बट्टा छः आ रहा है, बराबर नहीं है, इसका मतलब रेखाएँ कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी होगा, इसका आंसर सी होगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएँ हैं ये। अगला है x माइनस वाई का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, कैसी, तो यहाँ देखना ये x बराबर वाई है, ठीक है ना, x बराबर वाई है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये होगा ये मूल बिंदु से जाती हुई, हाँ ये मूल बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, ये मूल बिंदु से जाएगी, ठीक है ना, ये मूल बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, इसका आंसर सी हो जाएगा, तेरह का सी। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का कंडीशन क्या होता है, पावर दो होना चाहिए, पावर दो, तो इसमें देख लेते हैं पावर किसका दो है, अगर इन दोनों को गुना करेंगे ना, इन दोनों को एक्स में एक्स गुना करो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर है, प्लस ये भी होगा प्लस ये भी होगा यानी कट जाएगा, यानी पावर दो इसमें नहीं आएगा, इसका मतलब ए नहीं होगा। अगर इसको देखते हैं ये तो पहले बहुपद नहीं है, बटा में बहुपद नहीं है, अगर इस वाले ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें तोड़ेंगे ना तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, इधर इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा लेकिन इधर एक्स बचेगा या इधर एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, इसका मतलब इधर एक्स बचेगा हमेशा अंत तक एक्स स्क्वायर बचा रहेगा, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो गया चौदह का बी। यदि समीकरण दो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस तीन बराबर जीरो का मूल माइनस तीन है, एक मूल माइनस तीन है तो पी का मान बताना है, तो मूल अगर एक दे दिया है तो दूसरा मूल हम निकाल लेंगे, हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होता है, अल्फ़ा अच्छा बीटा वो ऐसे निकाल लेते हैं, इसको पुट कर लो, इस मूल अगर होता है तो इस समीकरण को वो सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें एक्स की जगह पर दो माइनस तीन पुट करेंगे तो दो गुने माइनस तीन का स्क्वायर प्लस पी गुने माइनस तीन और माइनस ये माइनस तीन बराबर जीरो, तो ये माइनस स्क्वायर नौ हो जाएगा, दो में गुना करेंगे तो अट्ठारह प्लस अट्ठारह हो गया माइनस तीन पी और माइनस तीन बराबर जीरो,
18 में से 3 घटाओगे तो 15 हो जाएगा, और p उधर चला जाएगा तो 15 3 प्लस में हो जाएगा, तो 5 3 15, p का मान 5 हो जाएगा, p का मान यहाँ से आ जाएगा 5, b ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, 15 का b। k के किस मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 के मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होगा उसका कंडीशन ये है डी 0 होगा बराबर, और डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac = 0। तो यहाँ से अब फोन इसका मान पुट कर लेंगे, बी का मान दिया है 3k, तो 3k का स्क्वायर करेंगे तो 9k² हो जाएगा, और माइनस 4 हो गया, और ए और सी यहाँ देखो ए का मान 9 है, सी का मान 4 है, तो 4 × 16 और 9 = 144, 144 = 0, यानी कि 9k² = 144, और यहाँ से 9 से भाग कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, यानी k² = 16 हो गया। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो गया। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। यदि x² + 3px + 2p² के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर, अच्छा एक दूसरा कंडीशन था, α² + β² = 5, तो पी का मान बताना है, तो अल्फा स्क्वायर इसका जो फॉर्मूला दिया है अल्फा प्लस बीटा का ये स्क्वायर दिया है 5, तो यहाँ करना क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे, ये फॉर्मूला होगा α² + β² + 2 × α β, ठीक है ना, इसी पर बैठाना होगा। तो ये इसका अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था, माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी बटा ए यहाँ निकालोगे तो -3p / a, ए का मान 1 है तो -3p हो जाएगा, यानी कि 3p ये होगा, और उसका स्क्वायर करोगे तो 9p² हो जाएगा, 9p² हो गया, और इधर α² + β² का मान दे रखा है 5, और 2 × α + β का फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो c का मान 2p² है, तो 2p² यानी 4 यहाँ 2 दिया तो 4p² हो जाएगा इधर, और नीचे 1 रहेगा, यानी कि 9p² में से 4p² घटेगा तो 5p² बचेगा, और बचेगा इधर इक्वल 5, यानी कि 5p² = 5, काट दोगे 1 आएगा, पी का मान निकालोगे √(+-1), तो +-1 इसका आंसर सी हो जाएगा। द्विघात समीकरण a²p²x²-q² के मूल होंगे, तो ये बस निकाल दो, इक्वल कर दो, ये a²p²x²/q², तो यहाँ से x² बराबर हो जाएगा aq² / ये हो जाएगा a²p², अब यहाँ से जब रूट हटाएंगे x हटाएंगे तो ये इसके अंदर रूट चढ़ जाएगा, तो सबका बाहर आ जाएगा, लेकिन प्लस यानी कि q/ap + q/ हाँ यहाँ देखो डी ऑप्शन दिया हुआ, एकदम आसान था ये ऑप्शन करके जो दिया है, डी ऑप्शन 18 का डी हो गया। अगला द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 के मूलों के योग एवं गुणनफलों के मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा, तो बस कुछ नहीं, अगर बात करें हम अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, और नीचे α×β ये अनुपात पूछा है, तो -b/a और c/a, यानी a कट जाएगा बचेगा -b/a, तो -b/a जो आएगा वही उसका आंसर होगा, तो -b/a, तो -b/a b का मान यहाँ देखो -15 और b/c a तो कट गया था ना, तो यहाँ c का मान 50 है, तो -± हो गया, यानी 15/50 काटोगे 3 × 5 = 10, यानी कि 3:10 ए ऑप्शन हो गया इसका आंसर ए। अगला है यदि द्विघात समीकरण का मूल -5 और -1 हो तो द्विघात, देखो मूल दे रखा है, यानी अल्फा मान लेते हैं -5, बीटा है -1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, जोड़ोगे तो -6 होगा, और गुना करोगे तो 3 आएगा, यानी कि x² फॉर्मूला क्या होता है x² + α β × x, यहाँ देखो, और -α×β = 0, ठीक है ना, तो x² - α, तो यहाँ से अब मान पुट करेंगे तो -6x² - 6x, और यहाँ कितना आया था -3, तो x² 5 आया था, x² इसका आंसर हो जाए x² - 6x - 5, तो x² - 6, सी ऑप्शन इसका आंसर सी हो जाएगा। एक बार फिर इसको देख लेते हैं,
एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा रुक जाओ, यहाँ एक बार फिर देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में आया था ये प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस पाँच, यहाँ प्लस पाँच, पाँच आया था ना, एक्स स्क्वायर, ए ऑप्शन इसका होगा, इसका आंसर ए होगा, ये सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। अगला है 21 नंबर, कॉस 60 प्लस एक और नीचे कॉस 60 माइनस एक का मान क्या होगा। तो 60 का मान होता है एक बटा दो, यहाँ से एक बटा दो हो गया प्लस एक, और नीचे भी एक बटा दो माइनस एक, तो इसको जोड़ेंगे तो तीन बटा दो हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक बटा दो, तो एक बटा दो, एक बटा दो कट गया, तीन आएगा, इसका आंसर थ्री होगा, इसका आंसर थ्री हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, यदि ए बाई फाइव बराबर 12 तो थ्री सेक स्क्वायर ए, थ्री सेक स्क्वायर ए का मान पूछा है, तो ये ए का मान यहाँ से निकालो तो 12 पाँच 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ 60 में पुट कर लेंगे, यानी कौशेक स्क्वायर 60 डिग्री, कौशेक स्क्वायर 60, तो कौशेक का मान कितना होता है 60 में, तो ये होता है 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3, कौशेक 60 का मान 2/3 होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4/3 हो जाएगा, तो 3×4/3, तो 3 से 3 कट गया, बचा गया 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा, सी ऑप्शन सी। अगला है साइन 54 माइनस कॉस 36, इसको सोचना ही नहीं है, इसका मार देना है जीरो। कैसे, इसको जब चेंज करोगे तो ये भी 54 आ जाएगा, 54 माइनस 54, साइन में ये साइन में चेंज करो ना तो साइन 54 आता है, ठीक है ना, तो ये इसका जीरो हो जाएगा, इसका आंसर भी जीरो हो जाएगा, इसका भी आंसर जीरो होगा, क्योंकि कॉस ये गुना में है सब, और कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए सब गुना करोगे जीरो में, किसी भी संख्या से गुना करेंगे जीरो आएगा। 37, इसका आंसर दो हो जाएगा, सोचना ही नहीं है, दो आंसर होगा, इस तरह से मैंने बहुत बार बताया था कि ये ऊपर नीचे कॉस है, दोनों का एंगल 90 है, ऊपर नीचे टेन कॉट है, ऊपर नीचे 90 है, जोड़ने से तो इसका मान एक होगा, इसका मान एक होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये दो हो जाएगा, सी ऑप्शन 25 का सी। आ जाते हैं अगला सवाल, कॉस साइन 45, ये इसका मान भी होगा जीरो, इसका मान भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 1/2 और 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2, 1/√2 1/√2 में से घट जाएगा जीरो, जीरो में दो से गुना करेंगे जीरो, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसका आंसर 7 हो जाएगा, इसका आंसर 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 कॉमन आएगा, बीच में बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, 7×1, तो इसका मान हो जाएगा 7, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है साइन पी, साइन 48 बराबर पी, तो टेन इसका मान देखेंगे, यहाँ पर साइन 48 पी दिया है, तो टेन 48 पूछा है, तो इसके लिए पी ऐसा कर लेते हैं, टेन इस तरीके से थीटा पर निकाल लो, पी बटा एच होता है ना, पी बटा एच, तो ये पी है और ये h है, ठीक है, p का मान दिया है और h का मान एक दिया है, p का मान p और h का मान एक, तो b का मान क्या होगा, इसमें से पी स्क्वायर यानी √1 − p² होगा ना, 1 − p², अब यही क्या होगा, tan थीटा में होता है p बटा b, तो p तो ऊपर रहेगा, p का मान p दिया है और h का b का मान −√1 − p², तो वही वाला आंसर देख लेंगे, तो p बटा वन, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है tan 27 tan 63 बराबर साइन ए, तो ए का मान क्या होगा, tan 27, तो इन दोनों को जब हम चेंज करेंगे, ये देखो दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों एक के बराबर है, क्योंकि जब चेंज करेंगे tan से cot में तो ये दोनों कट जाएगा, एक आएगा, यानी साइन ए का मान दे दिया है एक, और एक किसके डिग्री पर बराबर होता है, 90 डिग्री पर, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइन, ये देखो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा साइन क्या होता है, कॉस में चला जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर है, तो ऊपर तो एक हो जाएगा, उसी तरीके से नीचे भी देखोगे, यहाँ भी ये हो जाएगा सेक में, और ये तो ये भी नीचे भी एक, ऊपर भी एक, यानी 1/1 एक आ जाएगा, ये ऑप्शन। अगला, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो दो चक्कर में तय की गई दूरी कितना होगा, पहिए का मतलब हो गया वृत्त की परिधि क्या होगा, वृत्त की परिधि, त्रिज्या इतना दिया है तो उसका परिधि क्या होता है, ये त्रिज्या है, परिधि होता है दो चक्कर का, मतलब हो गया एक कंप्लीट ये है, तो परिधि निकालना है, 2πr होता है, तो 2πr 2×22/7 और r दिया है 35/44,
तो ये 22 दूना 44 हो गया, 2 से 2 कट गया, 7 5 35, एक चक्कर में 5 मीटर दूरी तय करेगा तो 2 चक्कर में 10 मीटर, 2 चक्कर में 10 मीटर, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में ए ओ बी थीटा है तो चाप ए बी की लंबाई क्या होगा। ये चाप मैंने देखो जो मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा ना लास्ट में, जो मैंने वीडियो प्रैक्टिस करवाया था उसमें ये सब मैंने चर्चा किया, चाप है वो बताया था त्रिज्याखंड का, एक वीडियो पर मैंने बनाया था उसको, अगर कोई देख के गया होगा वहाँ पर मैंने बताया था कि इसको देख के जाओगे ये तुम पूरा करके आओगे। देखो सवाल आया हुआ है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैंने वहाँ बताया था कि उसमें 2πr और नीचे होगा 360 और यहाँ गुने थीटा 2πr, तो यहाँ देख लो कौन सा ऑप्शन है, देखो और उसको काटोगे यार, यहाँ अगर काट लेते हो 2πr है ना, तो यहाँ 360 गुने थीटा, तो यहाँ से ये काटोगे तो 180 हो जाएगा, तो πr बटा 180 गुने थीटा, πr थीटा 180, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, देखो यही मैंने डिस्कस किया, ये सेम प्रश्न है मैंने डिस्कस किया हुआ है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन बड़ा होगा, तो ये आयतन कितना होगा 8 × 8 × 8, और इधर एन गुने एक कर लो, ये गुना कर लो ना, 8 × 64 और 64 में ये 512 हो जाएगा, गुना कर लो 64, फिर 8 से 8 × 32 2 3 हो गया, 8 × 48 = 51, 512 बी ऑप्शन होगा। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन पूछा है, यहाँ व्यास दे दिया त्रिज्या 5 10 5 हो जाएगा, ऊंचाई एच दिया है 12, आयतन क्या होता है 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, अच्छा पाई के रूप में दिया इसलिए पाई का मान नहीं बैठाएंगे, एक तो आसान करके दे दिया है 1/3 पाई और आर स्क्वायर, तो आर क्या है 25 हो जाएगा, चूँकि 5 का आया है तो 25 और एच दिया है 12, 3 × 12 25 × 100 100 पाई, इसका आंसर सी होगा, सी ऑप्शन हो गया। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई, तो धातु का आयतन क्या होगा, धातु का आयतन निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे बड़े वाले, तो यहाँ देखो अगर ये धातु कैसा है, धातु पाइप है बेलन है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो एच तो दोनों का सेम है, तो यहाँ से अगर हम इसका मान निकाल लें, आयतन पूछा है ना, तो बड़े वाले त्रिज्या 4 है तो 4 × 16 16 ए पाई एच, और उसमें से घटा देंगे 9 πh, क्योंकि त्रिज्या सेम है, आधार सेम है, या ऊंचाई सेम है, ठीक है ना, तो 9 πh में से घटा दो 9 πh, तो कितना हो जाएगा 7 πh, अब यहाँ मान पुट कर लेंगे 7 πh, तो 7 × 22/7 h का मान 10 है, 200 200 इसका कितना है 20 आ रहा है, 220 इसका आंसर हो जाएगा, 220 बी ऑप्शन। एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है, ठीक है ना, शंकु हैं और बेलन के आधार यानी कि त्रिज्या सेम है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितना है, यहाँ देखेंगे बेलन है और शंकु है, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पाई आर एल बराबर है बेलन के 2πrh के, तो ये 2πr कट गया यानी l जो होगा वो 2h के बराबर है, यानी कि त्रिज्या ऊंचाई उसके 2h के बराबर है, तो यदि कह रहा है बेलन की ऊंचाई 2 है तो शंकु की त्रिज्या कितना होगा, 2 × 4 हो जाएगा, तो यहाँ h का मान रखोगे 2 × 2 तो ये 4 हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किसी घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर, तो उसके घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा, ये भी प्रश्न में बताया था, तो ये घन का आयतन है तो ए क्यू बराबर होता है, ए क्यूब होता है, यहाँ से देख लेंगे ए क्यूब बराबर 125, तो एक मान कितना हो जाएगा 5, घन निकालेंगे 5 आ जाएगा, घन का किनारा यानी कि पहले घन है तो इसका मतलब पहले तो 5 आएगा, ठीक है ना, तो जिस ऑप्शन में पहले 5 है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि किनारा पूछा है ना तो 5, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है, अगर इसको निकालना जाए तो विकर्ण तो ए रूट 5 ए रूट 3 होता है, तो ए तो वही 5√3 यानी 5 से
अच्छा, अनुपात है, रुको 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 रुको, ठीक है ठीक है ठीक है, रुको। तो घन का आय ये तो हो जाएगा, और घन का विकर्ण जो होता है वो ए रूट तीन होता है, यानी पाँच रूट, तो पाँच से पाँच कर गया, एक अनुपात रूट तीन हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय अर्धगोला का क्या होता है, 3πr² बराबर 462। तो ये पाई का मान ये कट जाएगा, 6 × 2 = 8, 8 × 4 = 12, 4 × 3 = 3 जाएगा, 3 × 1 = 3 और 1 आ जाएगा 16, 5 × 3 = 15, 1 आ गया और 4 × 3 = 12, 154 हो गया, यानी कि 22/7 r² बराबर 154। ये देखो 7 से कट जाएगा, 7 × 154 कट गया, यानी r² पर कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 54 हो गया। हमसे पूछा है ब्याज, तो त्रिज्या यहाँ तो 7 आ जाएगा, जब त्रिज्या 7 है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 7 × 14 सेंटीमीटर। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:5 हो तो आयतनों का अनुपात, यहाँ ये भी सवाल में बताया है, देखो ये भी आया था, r1 = r2 दिया है, h1 = h2 दिया है, तो उनके कह रहा है कि आयतन, आयतन क्या होता है बेलन का, बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखेंगे हम लोग, आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, इसका मतलब इसमें पाई तो कट जाएगा लेकिन आर स्क्वायर रहेगा, तो r1² और h अनुपात करोगे तो r2²h, यानी कि गुना कर लेंगे, इसका स्क्वायर करके h के साथ गुना कर लो, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 × 2 = 4 और 4 × 5 = 20, 20 होगा, ये स्क्वायर करेंगे तो 3, 9 और 9 × 3 = 27, तो 20:27, 20:27 इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अपना मिलाते रहना, ठीक है ना, इसमें बस मिला लेना अपना कैसे कैसे आ रहा है। अगला प्रश्न है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, त्रिज्या है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³, यानी कि ये बाकी सब कांस्टेंट है, आर क्यू त्रिज्या है, तो 27 गुना हो जाएगा, कैसे, तो 3 इधर आर, तो आर का इस क्यू करेंगे तो 27 नहीं हो जाएगा, 27, और इधर इसको ऐसे कर लेते हैं, ये पहले आर था, अब वो 3 गुना हो गया, तो 3 का r 3 गुना हो गया, इसका मतलब क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 क्यू, इसका 27 गुना हो जाएगा, आयतन 27 गुना हो जाएगा। ये क्या पूछा है कि ये क्या है, तो ये परिमेय है, 9 हो जाएगा ऊपर, नीचे हो गया 2, रूट हल हो गया तो परिमेय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 192 के अभाज्य गुणनफल 2 का घात क्या होगा, 192 का अगर निकालते हैं, 192 का, तो ये देखो 2 × 9 = 18, 6 × 12 फिर 2 × 48 = 96 और फिर ये 16 × 3 = 48 होता है, तो 16 में भी 2 का पावर 4 आ जाएगा और यहाँ 2 ऑलरेडी है, तो 4 × 2 = 6, इसमें 2 का पावर जो आएगा वो 6 आएगा, कितना हो जाएगा, 6, सी हो जाएगा इसका आंसर। यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में a 72 r³ 8 r₀, तो b का मान 9 हो जाएगा, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा, चूँकि वो कट रहा है, एकदम आसान है, 9 हो गया। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार शांत उसी का होगा जिसके गुणनफल में क्या हो, नीचे हर के गुणनफल में 3, 2 या 5 हो, इस रूप में हो, ठीक है ना, तो ये 3 आएगा, ये नहीं होगा, नीचे 12 × 5 = 60, तो 3 आएगा, इसमें भी नहीं हो जाएगा, यहाँ देखो 7 × 5 = 7 आ रहा, नहीं होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, 100, बाकी चीज़ बनाकर भी देख सकते हैं। यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब सम प्लस विषम होना चाहिए, तो नहीं पूछा है, यहाँ ध्यान क्या रखना है, नहीं पूछा है, धनात्मक विषम नहीं होना चाहिए, तो ये देखो ये तो 3 गो ऑप्शन दिए, ये सब विषम है, हमसे पूछा है विषम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बी ऑप्शन है जो कि विषम नहीं, यानी ये सम है, नहीं पूछा है, ये ध्यान देना था, गड़बड़ कर दिया जिसने ये भी बनाया क्वेश्चन को, उसने नहीं सब को नहीं पढ़ा, विषम पढ़ करके आंसर दे दिया, इसलिए गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर ध्यान देने के बी होगा। दो लगातार सम संख्याओं का मसह, दो लगातार सम संख्या अगर होगा, जैसे मान लो 2 और 4 है, तो इसका क्या होगा, हमेशा 2 होगा, ये तो सोचने वाली बात नहीं है, हमेशा 2 होगा। अगला, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, परिमेय प्लस अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होगा।
चलो तो ये हो गया प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 86, 70 है और उनका एलसीएम 17 है, तो एलसीएम क्या होगा? भाग कर दो इससे। अरे ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, तो ये इसमें भाग कर देंगे, 17 से एलसीएम आ जाएगा, 17 5 से काटू ना 17 5 85 एक आएगा, फिर 17 कम 17 2 आएगा, 17 17 है ना, कट गया 0, यानी कि 510 इसका आंसर आ जाएगा, 510 डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या हल कर लेंगे तो 64 10 हो जाएगा, यही हो गया, दो ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता है कभी भी, ये 50 नहीं होगा, बाकी सब नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। यदि इतना देखो 130 को ऐसा लिख दिया है, 15 × 8 + 10 और 15 को लिख दिया 5 × 3 + 0, तो मसा इसका मसा पूछा है कुछ नहीं, 5 होगा, अगर ऐसा ना भी देता तब भी निकाल दे तो 5 होगा, निकाल के लोगे तो 5 आएगा इसका आंसर। 1 − sin⁴ का मान दे रखा है, तो यहाँ से साइन को चेंज कर लो, 1 − sin² इस का इस तरीके लिख सकते हैं, और इस तरीके से 1 − sin² को हम लिख सकते हैं, a² - b² तोड़ दो तो 1 − a + b × a − b, a + b × a − b, तो 1 − sin² θ × 1 + sin² θ हो जाएगा, और 1 − sin² θ का मान कहता है cos² θ और × 1 + sin² θ, तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ दिया हुआ है, cos² θ ए ऑप्शन है × 1 + sin² θ। ABC में त्रिभुज ABC में x y क्रम से भुजा AB और AC के मध्य दो ऐसे हैं, देखो ये x है और y है, यानी इस तरह से x और y है, पैरेलल भी दिया है, ये ABC, तो AX 2 XB 3, तो ये पूछा है AY और YC, ये भी उतना ही होगा जितना ये दिया है, 2:3 होता है थेल्स थ्योरम से, थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़ रखे हैं, ये होता है 2:3। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है, तो उनके संगत माध्य का अनुपात निकाल देंगे, तो ये रूट निकाल देंगे, तो रूट क्या होगा 121 का 11 और 8 का 64, तो 11 × 8 हो जाएगा, 53 का भी हो गया। अब अगला सवाल है, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप अगर 30 और 20 हैं, तो उनके पहले त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है, दूसरी त्रिभुज की भुजा पूछा है, तो अनुपात यहाँ देखो 30 × 30 × 20 = 18 / x मान लेते हैं, तो दूसरी भुजा है, तो ये 0 से 0 कट गया, 3 × 6 = 18, यानी x का मान 12 हो जाएगा, x का मान 12, यानी दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आंसर यहाँ सही है, जिसने बनाया है उसका आंसर ये 12 सही है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर, इसका भुजा क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना, √3/4a² तो यहाँ ये 36√3 हो जाएगा, तो √3 से √3 कट गया, और यहाँ से देखो 36 से 4 से गुना कर लेंगे, √3/4 × a², ठीक है, तो ये 36 से 144 हो जाएगा, और ए स्क्वायर जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा 12, सी ऑप्शन हो जाएगा 12 इसका। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? दो उभयनिष्ठ अगर त्रिभुज, यानी कि दो उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, यानी कि दो त्रिभुज ऐसे वृत्त ऐसे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ऐसे दो ही एक स्पर्श रेखाएं होते हैं जो दोनों पर होते हैं, कॉमन होते हैं, यानी इनकी संख्या कितनी है? 2 होती है, बी ऑप्शन। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, किसी बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो उस OP की लंबाई बताना, यानी ये ऐसे है, ये P, ये मान लो यहाँ P है स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई, मान लो ये P है और ये T है, PT की लंबाई दे रखा है 24, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कोण होता है, तो इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर करेंगे 576 और जोड़ 49, तो ये जोड़ लो 9 × 6 = 15 7 × 11 = 12 625, यानी कि 25 हो जाएगा इसका आंसर जब रूट निकालेंगे, तो इसका आंसर सी होगा 25। किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है, तो पी से उस वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो उसी बिंदु से है तो बिल्कुल भी सेम होता है, दो वृत्तों की अगर बाह्य बिंदु से कोई ऐसे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों की लंबाई सेम होती है, इसका भी मान 17 ही होगा, सही है ये।
अगला प्रश्न है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है तो उस दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, हमने बताया हुआ है, जो वीडियो देखा होगा उसका तो यह बन ही गया होगा। मैंने बताया था कि अगर इस तरह से लघु दे दिया जाए ना तो दीर्घ निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वाले को घटा दोगे, तो 7 सेंटीमीटर दिया है ना इसका त्रिज्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 और 49 हो जाएगा, 7 स्क्वायर करेंगे तो 7 से 49 यानी 154 हो जाएगा, 154 में से 14 घटा देंगे 140 हो जाएगा, 140 इसका आंसर हो जाएगा ए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसकी व्यास क्या होगा, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा 7 और 7 × 14 इसका आंसर आएगा, जब निकालोगे ना तो ये आएगा 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण x² + 4x + b = 0 का विवेचक होगा, विवेचक का मतलब d का मतलब b² - 4ac, तो b का मान यहाँ 4 है तो 16 हो जाएगा, a का मान 1 है, c का मान यानी 4 × 1 और × b यानी कि 16 - 4b ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कौन समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में जिसका d, ये तो नहीं होगा, निकाल कर देख लें, ये भी नहीं होगा, 2 इसका आंसर 2 आ रहा है, इसका अंतर 4 आ रहा है इसका, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा, 62 का d। समांतर से 18, 50 ये सब रूट में दिया हुआ है, सार्व अंतर क्या होगा, तो 50 को जब हल करोगे ना 5√2 होगा, और ये देखो इसको हल करोगे 3√2 होगा, ठीक है ना, तो 3 घटा दोगे तो 2√2 इसका आंसर हो जाएगा, 2√2 बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समांतर श्रेणी 2, 5, 8 और 11 का ग्यारहवां पद क्या होगा, ग्यारहवां पद का मतलब a + 10d, तो a का मान 2 है, d का मान 3 होगा, 10 × 30 = 32 इसका आंसर सी होगा। अगला है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n - 2 हो तो श्रेणी का सातवां पद क्या होगा, n का मान 7 रखोगे, 8 × 7 = 56, n का मान क्या रखोगे 7, 8 × 7 = 56 - 2 = 54 हो जाएगा इसका आंसर, कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में, 54। यदि किसी समांतर श्रेणी के a 30 - a 20 = 50 हो तो श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर का मतलब ये हो गया कि इसको निकालने के लिए ये देखो ये तोड़ोगे तो a + 29d हो जाएगा, और ये देखो माइनस ये होगा प्लस 19, ये कितना हो जाएगा 19d होगा बराबर 50, तो ये a से तो a कट गया और 29 + 19 कितना हो जाएगा, सॉरी ये माइनस ना होगा, नहीं ठीक है, ए प्लस 29 ठीक है, ये सो 9 = 18 और ये 10 = 48, 48d कुछ गड़बड़ ना, रुको फिर से कर रहे हैं इसको, 30 करोगे तो a + 29d माइनस ए प्लस, तो ये दोनों माइनस में होगा, हाँ दोनों माइनस में होगा ये d और बराबर 50, ऐसे एक कट गया ये हो जाएगा 10d और बराबर 50 है तो d का मान 5 होगा, इसका सार्व अंतर 5 आएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है यदि 2x - 1, 3x + 2 और 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान ज्ञात करना है, 3 क्रमागत पद है इसका मतलब क्या कर लो, d निकाल लेंगे, ये इसमें से यहाँ 3x - तो इसमें से घटाओ, 3x में से 2 घटाओ तो x बचेगा, और फिर 2 में से माइनस करोगे तो ये प्लस हो गया यानी +3 आएगा, ये बराबर हो जाएगा, इसमें से 6x में से 3x घटा लो तो 3x होगा, और -1 में से -2 करोगे तो -3 आएगा, यानी कि अब ये 3 इधर